सो हे गाइस, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? समय हुआ है 5 बज गए, 4 बजे मैं उठा था, जा रहा हूँ एक ट्रिप पर बच्चों के साथ, जा रही है नॉर्थ पार्ट ऑफ म्यांमार, जो अप्रॉक्सीमेटली 10 आवर्स की जर्नी है, तो अर्ली इन द मॉर्निंग निकलना पड़ रहा है। हो गया हूँ मैं कम्प्लीटली रेडी, मेरा सामान भी पीछे बैग आपको दिख रहा होगा, सारे रेडी है, तो निकलते हैं। टैक्सी मैंने बुक कर ली थी मंगलावार सर्विसेज से, आने वाली होगी, जैसे ही टैक्सी वाले भैया आते हैं फिर हम निकल जाएंगे सीधे बस से जाना है हम लोगों को, तो बस मिलेगी मुझे यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 5 या 6 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ से तो मिलते हैं अब टैक्सी में। सो आ गई है टैक्सी वाले भैया की कॉल, निकल रहा हूँ मैं, चलते हैं, पहुँचते हैं रफ्तार से नीचे। सो ये रही हमारी टैक्सी। इंदावा ब्रदर, तो दिस इज आवर बस, जैन पहले से ही आया है और ही इज अ न्यू जेम्स अहमद अंदर बैठा हुआ है, दिख जाएगा आपको, ये बैठा हुआ गेम खेल रहा है। निकल रहे हैं अब लोग, हम लोग 5:51 10 मिनट्स में निकल जाएंगे, तो द टाइम इज 6:02। निकल गए हम यहाँ से, अप्रॉक्सीमेटली 10 आवर्स की जर्नी है, तो 4 या 5 बजे तक पहुँच जाएंगे। है 8:14 और पहला स्टॉप लिया है, पता नहीं क्या नाम है, नाम तो नहीं पढ़ पाऊंगा, बर्मीज में है, तो करेंगे यहाँ ब्रेकफास्ट, तो चलते हैं अंदर। सो दिस इज आवर ब्रेकफास्ट, दिस इज समथिंग बर्मीज स्नैक एंड पोटैटो चिप्स। सो बहुत मुश्किल होता है यहाँ पर वेजिटेरियन कुछ मिल पाना, तो यही ब्रेकफास्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। सो ब्रेकफास्ट इज डन, नाउ वी आर गोइंग बैक इन द बस, और धूप बहुत तेज़ है, सुबह हल्का सा कोहरा था यहाँ पर, इस वजह से मौसम अच्छा था, लेकिन अभी बाहर आते ही काफ़ी ज़्यादा धूप है, तो निकल रहे हैं विद इन 5 मिनट यहाँ से। सो इट्स 10:43, सेकेंड स्टॉप लिया है हम लोगों ने यहाँ पर, तो ये है इनकी कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीन टी है, लेट्स सी कुछ मिलता है वेज में या नहीं मिलता है। इस रेस्टोरेंट में समोसा और ये टिक्की है, यहाँ इसको है तंबूरा बोलते हैं, तो ये वेज ऑप्शंस में है, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री है, मैंने अभी ऑर्डर किया है पराठा विद शुगर, ये आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ है, अब देखते हैं कैसा आता है। नो, मैंने ऑर्डर किया पराठा विद मिल्क। डन। So you ordered 1 tea and paratha milk for me, yeah? So milk and paratha coming together. Okay. So आ गया है हम लोगों का ऑर्डर, ये है मिल्क, ये है मेरा पराठा, चाय ये पता नहीं, आई डोंट लाइक, और ये है बटर रोटी यहाँ की। हम लोग इंजॉय कर रहे हैं अपना ब्रंच, इसके बाद निकल जाएंगे। सो कर लिया है हमने अपना ब्रंच, और धूप बहुत तेज़ है यहाँ पर, देखिए आप सामने खड़ी है हमारी बस, तो जा रहे हैं ढाबा का क्या नाम है, होटल के क्या नाम है, वो सारे बर्मीज में है, वो आपको बता नहीं सकता हूँ। ये जा रही है यहाँ पर ईवी कार, ईवी, और वहाँ पर ईवी स्टेशन भी है, हम दूर हैं काफ़ी ज़्यादा ईवी स्टेशन से, वरना मैं आपको दिखा देता, चलते हैं बस में अब। सो निकल गए हैं यहाँ से, और टाइम है 11:24, अप्रॉक्सीमेटली 6 आवर्स और लगेंगे हमें पहुँचने में अपनी डेस्टिनेशन तक। Come on.
सो टाइम इज 4:03। अभी 2 घंटे और लगेंगे पहुंचने में। पहाड़ आ गए हैं करीब। बस रुकी हुई है यहाँ पेट्रोल पंप पर डीजल के लिए। तब तक हम लोग यहाँ फ्रेश हो लेते हैं, रेस्ट रूम। पहुंच गए हैं हम। टाइम हुआ है 7:30। अपने होटल पहुंचते हैं, रूम में करते हैं रेस्ट, उसके बाद डिनर करना है। सो आ गया हूं अपने रूम में। ये रहा ट्विन बेड है, मैं हूं और एक भाई और हैं, वो आएंगे यहां पर। तो रूम आपको दिखा देता हूं पहले। तो ये है छोटा सा रूम। सारी जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो सारी हैं, देख सकते हैं आप। नो स्मोकिंग, ये है रेस्ट रूम। तो होता हूँ मैं फ्रेश और करने जा रहा हूँ डिनर। सो ये रहा हमारा डिनर, आलू की सब्जी, ये कोई मिक्स है, ये उबली हुई सब्जियाँ हैं और ये सूप है। तो करता हूँ मैं अपना डिनर, बहुत थकान आ गई है, उसके बाद सोते हैं। सारे लोग डिनर ही कर रहे हैं। सचिन, हाउस फूड गुड? सो गाइस, खाना खा लिया है, आ गया हूँ मैं रूम में, अब जा रहा हूँ सोने। तो इसी के साथ एंड करते हैं आज के इस ब्लॉग को। मिलते हैं आने वाले न्यू ब्लॉग्स में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाले बटन को प्रेस कीजिए, सो दैट आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय हिंद, जय सेना।